Hey guys, आज के इस टॉप 10 फार्मा सीरीज के एपिसोड नंबर 13 में आपका स्वागत है। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 फार्मा कंपनी देहरादून। और देहरादून वैसे भी बहुत ही फेमस सिटी है गाइज, यहाँ पे काफी अच्छी सीनारियो मिल जाते हैं देखने को और काफी टेक्सटाइल और फार्मा हब के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आपको जॉब ट्राई करना बनता है। तो चलिए आज का वीडियो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज आपसे बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर देहरादून के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें तो ये गाइज यहाँ पे टेक्सटाइल और फार्मा हब के नाम से बहुत ज़्यादा ये फेमस है देहरादून। और यहाँ पे सीनारियो भी काफ़ी अच्छी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ट्रेवलर हैं और घूमना चाहते हैं तो देहरादून सिटी बहुत ही मस्त है और टेक्सटाइल और फार्मा हब माना ही जाता है। और गाइज आपको बता दें कि यहाँ की टॉप कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि DIT हो गया और JB इंस्टीट्यूट हो गया और अल्पाइन हो गया, ये बहुत ही अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना सपना साकार कर सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। और गाइज आपको बता दें कि यहाँ पे आपको दो सिटी मिल जाएंगी, सेलाकी और सिद्धकुल सिटी, जो कि बहुत ही फेमस है फार्मा हब के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो हमेशा आपको फार्मा इंडस्ट्री की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। तो चलिए अभी बात करते हैं टॉप 10 फार्मा कंपनियों की, कौन कौन से देहरादून में वो टॉप 10 फार्मा कंपनियां जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। स्टार्ट करने से गाइज पहले आपको बता दें कि यदि आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगा या दिए गए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए टॉप 10 से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे हिमालय ड्रग कंपनी की, जो हम टॉप 10 दिए हैं। और 9 नंबर की अगर हम बात करें तो जुआइट लाइफ साइंस, जो कि PCD है लेकिन काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ में काफ़ी अच्छा है इसका नाम है। और 8वें नंबर कंपनी की बात करें तो गाइज वो है विंडलेस बायोटेक लिमिटेड, जो कि काफ़ी अच्छा नाम कर रहा है। और 7वें नंबर की बात करें गाइज तो नासा फार्मास्यूटिकल, ओल्ड सिटी में है गाइज ये, और आप वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपसे 15 किलोमीटर अंदर पड़ता है ये। अब गाइज बात करते हैं 6 नंबर कंपनी की, तो वह है सन फार्मा लेबोरेटरी, जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी है, इंडिया की अगर बात करें तो टॉप 1 में आता है। और गाइज आपको बता दें कि यहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी होती है। और गाइज नंबर 5 की बात करें तो नाटको फार्मा लिमिटेड, जो कि थर्ड पार्टी है लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। तो गाइज अब बात करते हैं 4थे नंबर कंपनी की, तो वह है प्राइड फार्मा, जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है लेकिन अच्छा नाम कमाई है, तो इसीलिए इसको 4था नंबर दिए हैं। अब बात करते हैं थर्ड कंपनी की एकम्स फार्मास्यूटिकल, जो कि थर्ड पार्टी पहले जाना जाता था लेकिन आजकल अपना नाम बहुत अच्छा मार्केट में बना रखी है एकम्स, आप भी सुने होंगे। और गाइज इसमें भी अच्छी इन्वायरमेंट है, अभी आप वर्किंग कर सकते हैं ग्रोथिंग में। 10 नंबर कंपनी की तो वो है ईपिका लेबोरेटरी, और ईपिका लेबोरेटरी काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पे इस इलाके में। और गाइज फर्स्ट नंबर पे हमने जो दिया है वो है इंटास फार्मास्यूटिकल, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसकी ग्रुप अगर आपको इंटास में हो जाता है तो आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइज आज का ये टॉप 10 फार्मा सीरीज कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और गाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली का, साथ में इस फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय।